सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर जैसे कि पता ही है आप लोगों को कि रक्षाबंधन आने के लिए बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो क्यों ना सोचा गाइस कि इस पे भी एक फ़ोटो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए। तो गाइस, आ चुका हूँ आप लोगों के लिए मैं रक्षाबंधन फ़ोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट लेकर। तो अगर आप लोग कुछ इस तरीके की एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बैकग्राउंड PNG मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑलराइट गाइज, आ चुके हैं हम अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, एंड आप लोगों को इस एप्लीकेशन के अंदर ये बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे बैकग्राउंड का लिंक, एंड अब चलना है आप लोगों को अपने ऐड फोटो के अंदर। एंड ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद गाइज, यहाँ से हम अपने कटआउट को ऐड कर लेते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को अपना कटआउट का मतलब फोटो का कटआउट निकालने नहीं आता, तो मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, और अगर आप लोग देखना चाहते हो कि कैसे करते हैं तो दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। तो डन कर देते हैं सिंपली इसको। एंड डन करने के बाद गाइज, अब आप लोगों को क्या करना होगा कि सिंपली फिर से अपने ऐड फोटो के अंदर चलना है। एंड ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद गाइज, यहां से एक हम तिलक की PNG ऐड कर लेते हैं। सो देख सकते हो ये वाला तिलक की PNG, एंड इसको मैं ऊपर की तरफ यहां पे ले आता हूं, एंड इसको अच्छी तरीके से यहां पे सेट कर लूंगा गाइज। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको मैं लंबा कर देता हूँ, एंड अच्छी तरीके से यहाँ से हमको इसको सेट कर लेना है, थोड़ा रियलिस्टिक लगे इस तरीके से। एंड इसकी ओपेसिटी हमको 85 के आसपास रख देना है। एंड इतना करने के बाद डन कर देंगे गाइज, एंड देख सकते हो अब काफ़ी कूल लग रहा है। एंड गाइज, इस पर थोड़ा सा रक्षाबंधन जैसे ना फीलिंग नहीं आ रही इस फोटो के अंदर, तो देख सकते हो इस पर हम कुछ करते हैं। तो इसके लिए गाइज, हम चलते हैं ऐड फोटो के अंदर। एंड ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद गाइज, यहाँ से मैं एक PNG दे दूंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगी आप लोगों को। सिंपली वहाँ से कुछ इजीली इस तरीके से डाउनलोड करके आप लोगों को सिंपली कुछ ऐसे सेट करना है यहाँ पे। सो गाइज, अगर बाहर से नॉइज़ आती हो तो इसके लिए बहुत सारा सॉरी, क्योंकि यार मैं नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे रोड है तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो थोड़ा इग्नोर करना नॉइज़ को। तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे गाइज अपने से, और अच्छे तरीके से यहाँ से, तो देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया। एंड डन कर देंगे सिंपली। एंड डन करने के बाद गाइज, अब हमको क्या करना होगा कि सिंपली क्या करना होगा गाइज, अब हमारा इसमें का जो कॉन्सेप्ट था ना वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब पिक्सार्ट के अंदर का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट है। एंड अब हम चलते हैं ड्रॉ टूल के अंदर, एंड 3 डॉट पे क्लिक करके हम इस फोटो को करते हैं सेव। एंड गाइज, अब हम इस फोटो को लेके चलते हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर हम थोड़ा इस फोटो पर कलर ग्रेडिंग करते हैं। सो गाइज, आ चुके हैं हम अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, एंड आप लोगों को अपने फोटो को कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है। एंड गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ही कम स्टेप्स में आप लोग भी एडिट कर सकते हो, तो गाइज आप लोगों को मैं इसलिए बोलता हूँ वीडियो मतलब पूरी देखा करो, क्योंकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों के लिए मैं खुद कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट बनाऊँ आप लोगों को आसान हो करने में। तो गाइज, यहाँ से आप लोग लाइटिंग एडजस्टमेंट ना अपने फ़ोटो के हिसाब से कर लेना, जैसे भी आपका फ़ोटो में लाइटिंग है रहता है ना, तो लाइटिंग का एडजस्टमेंट अपने से कर लेना है। एंड कलर ग्रेडिंग कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है ना उसको हाई कर देना है, एंड गाइज इसका वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर देना है अराउंड 21। एंड इतना करने के बाद गाइज, अब हमको क्या करना होगा सिंपली, अब हमको आ जाना है मिक्स टूल पे। एंड मिक्स टूल पे आने के बाद हमको ग्रीन पे चलना है, एंड इसका सेचुरेशन पूरा डाउन करना है। एंड येलो का देख सकते हो ह्यू कितना मैं रखता हूँ, अराउंड 57 के आसपास सेचुरेशन छेड़ लेते हैं थोड़ा, -28। एंड गाइज, थोड़ा सा फेस ब्राइटिंग के लिए हम चलेंगे इस ऑरेंज वाले टूल पे, एंड इसको मैं थोड़ा सा सेचुरेशन को माइनस करता हूँ, लुमिनेंस को इंक्रीज करता हूँ। इतना करने के बाद इधर जितने भी सारे कलर्स हैं ना, इनका सेचुरेशन पूरा -100 आप लोगों को कर देना है, तो कुछ ऐसा हो दिख जाएगा हमारा गाइस फोटो। सो अब देख सकते हो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर अभी तो नहीं, थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, क्लियरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, एंड विग्नेट को थोड़ा सा राउंड 10-12 के आसपास। एंड इतना करने के बाद गाइस, ग्रेन अमाउंट जो है ना इसको आप लोग कम से 7 के आसपास रखना, एंड इस पर आना एंड शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देना, एंड मास्क की नॉइज़ रिडक्शन को एंड मास्किंग को भी एंड कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी। सो गाइज, इतना करने के बाद आप लोगों को मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर अब दिखाता हूँ। तो देख सकते हो बिफ़ोर एंड ये आफ्टर काफ़ी मस्त लग रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है हमारी फ़ोटो, एंड काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। सो गाइज़, अब इसको इस पर थोड़ा सा एक टोन देना है, ब्लू टोन ना, तो इसके लिए स्प्लिट टोन पर आना पड़ेगा। आने के बाद इस सर्कल को आप लोगों को ब्लू साइड ले चलना है, जिस टाइप में टोन डालना चाहते हो ना फेडेड लुक वाला, उस साइड ले जाना। तो आप लोगों को देख सकते हो काफ़ी मस्त रिटच हो चुका है हमारा फोटो, एंड काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, एंड काफ़ी कूल लग रहा है।
तो गाइज यही थी आज की हमारी एडिटिंग। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर देना, एंड ऐसे ऐसे वीडियो हम रोज लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं गाइज किसी ऐसी कमाल की नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।